श्लोक क्रमांक एक। श्री शुक उवाच भगवान पीतत्रेव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निवसन् गोपा इन्द्रयागकृतोद्यमा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। तो हम सबका परम सौभाग्य है, इफेक्ट कम करो थोड़ा, भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भागवत कथा का श्रवण करना यह मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इन दिनों नवरात्रि चल रही है और थोड़ी सी इफेक्ट हमारे प्रोग्राम पर भी आई है। परंतु भक्तों, आज संसार के लोग इन त्योहारों के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से सुखी होना चाहते हैं। हजारों लोग अपना धन और समय व्यतीत करके सुखी होना चाहते हैं, लेकिन भगवान का यह चिन्मय अंश सत्चित आनंद जीव जब तक भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वे पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता है। इस संसार में भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी साधन हैं, अन्य जितने भी उपाय हैं, ये सारे उपाय, ये समस्त साधन इस भौतिक जगत में बांध कर रखने वाले हैं। और जब तक इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, तब तक हम दुखी के दुखी होकर रहते हैं। यदि सुखी होना चाहते हैं तो इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवान के धाम को प्राप्त करना है। कई बार संसार के लोग इस जगत में सुख को ढूंढते हैं और कभी कभी हमारी दृष्टि से जगत में कुछ कुछ वस्तु में कुछ जगह पर सुख दिखाई देता है, परंतु हमारी आंखों से और बुद्धि से जगत में जो सुख दिखाई दे रहा है वह वास्तविक सुख नहीं है। क्योंकि यह जगत भगवान के धाम का एक विरुद्ध प्रतिबिंब है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्व मूल अध शाखा। हे अर्जुन, यह विश्व ब्रह्मांड रूपी एक ऐसा वृक्ष है जिस वृक्ष की डाली फल पत्ते ये सब मेरा धाम है, और अध शाखा और इस ये संसार जो है उस वृक्ष का बिल्कुल विपरीत प्रतिबिंब है। भगवान का धाम नित्य सुखमय धाम है और यह जगत भगवान के धाम का प्रकाश, भगवान के धाम का विरुद्ध ऑपोजिट प्रकाश है। इसलिए भगवान के धाम में जितना सुख है उच्चतर, इस जगत में उतना ही उच्चतर दुख है। भगवान के धाम में जो चीज जितनी ऊंची है, इस जगत में वही चीज उतनी नीची है। आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति कोई नदी के किनारे पर खड़ा है और वहां पर एक वृक्ष है, तो वृक्ष की डाली में फल जितना ऊपर होगा उसे उस प्रतिबिंब में उतना नीचे दिखाई देगा, उतना गहरा दिखाई देगा।
भगवान के धाम में जो सबसे उच्चतर सुख है वो इस जगत में सबसे नीच दुख है। भगवान के धाम में राधा और कृष्ण का माधुर्य मिलन ये सबसे श्रेष्ठ और सुख है, लेकिन इस जगत में किसी स्त्री और पुरुष का मिलन सबसे बड़े दुख का कारण है, क्योंकि यह जगत भगवान के धाम का विरुद्ध प्रतिबिंब है। तो भक्तों इस जगत में क्योंकि ये प्रतिबिंब है भगवान के धाम में, इसलिए धाम का, इसलिए ये प्रतीत हो सकता है कि यहाँ सुख है, कुछ आनंद है, तड़क भड़क है, परंतु तत्व से देखा जाए तो मात्र दुख है। कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी कथा बताई थी। एक बार एक राजा थे और उनके राज्य में उनकी जो पत्नी थी अपने गले में बहुत सुंदर सोने का हार पहन कर रखी थी, और वो बहुत सुंदर गोल्ड सोने का हार पहनकर बालकनी में खड़ी थी। उसी समय आकाश के मार्ग से एक बाज पक्षी आया, गले का हार लेकर उड़कर भाग गया। पत्नी चिल्लाने लगी, राजा मंत्री सब लोग दौड़ कर आए, बोले क्या हुआ? बोले मेरा वो सोने का हार चला गया। राजा ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा बनवा दूंगा। तो अनेकों जवेरी को बुलाए, त्रिभुवन दास भीम जी से आए, किया वाले आए, फलाने वाले आए, अनेकों आए, अपना अपना कैटलॉग लेकर आए हैं। लेकिन रानी ने कहा जो वो हार था वैसा मुझे दिख नहीं रहा है, बस मुझे तो वही हार चाहिए जो चला गया। अब राजा तो अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता था। राजा ने अपनी सारी प्रजा को बुलाया और उस लाखों प्रजाओं के बीच में आदेश दिया कि हमारे राज्य में से यदि कोई व्यक्ति मेरी पत्नी का हार मुझे वापस ला कर देगा तो इस राज्य का आधा राजा बना दूंगा, आधा राज्य में उनके नाम पर कर दूंगा। अब सारी प्रजा ये सुनकर सोचने लगी अब कौन ये रोज मगजमारी करे, हैं? ट्रेन में चढ़कर, ट्रेन के धक्के, रिक्शा में, ये वो। एक बार यदि ये हार मिल जाए तो पूरे राज्य का राजा बन जाएंगे। सब लोग अपना अपना काम धंधा छोड़ दिए और अपना अपना काम धंधा छोड़कर वह हार ढूंढने में लग गए। एक दिन, दो दिन, पांच दिन, एक महीना, अनेकों वर्ष बीत गए, हार नहीं मिला। एक दिन की बात, एक व्यक्ति मुसाफिर था, बहुत दूर से आया था, थका हुआ था, और उसी राज्य में एक सरोवर जैसा था, एक झील जैसा था जिसमें कीचड़ था और बहुत कुछ। तो उस कीचड़ के, जैसे यहाँ पर बांद्रा की खाड़ी है ना, ऐसा ही कुछ होगा, वैतरणी, तो वहाँ पर ऐसा ही कुछ था। पूरे राज्य का जो कचरा था, गटर थी, वो सब वहाँ पर मिलती थी। लेकिन बहुत थका हुआ था इसलिए उस सरोवर के किनारे पर बैठ गया। जैसे ही बैठा और आंखें बंद की, कुछ देर के बाद आंखें खोलकर देखा तो उस झील में, उस कीचड़ में उसे वो राजा का हार दिखाई दिया। सारी थकावट निकल गई। आज के लोग होते हैं ना जो बहुत थक जाते हैं, बहुत मेहनत प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद थक जाते हैं तो माया थोड़ा सा दे देती है, लोभ। उसको हार दिख गया, हार दिखा तो कूद कर खड़ा हो गया और तुरंत उस कीचड़ में गिरा और हार को ढूंढने लगा, और जैसे ही ढूंढने लगा तो हार खो गया। अब उसको कीचड़ में गिरते देखकर जो आजू बाजू में से वहां से निकलने वाले थे, बोले क्या कर रहे हो? बोले राजा ने जिस हार के लिए इतना बड़ा इनाम रखा है वो हार अभी अभी मैंने इधर देखा। ये सुनकर दो पांच लोग थे वो भी गिरे, चलो हम भी ढूंढेंगे। सात आठ लोग जब गिरे तब जितने भी लोग वहां से निकलते, क्या कर रहे? बोले वो हार इधर है, पूरा राज्य उस कीचड़ में गिरा। और सब लोग ढूंढ रहे, कोई अंदर डुबकी मार के ढूंढ रहा है, कोई बाहर से कोने से, सब लोग ढूंढ रहे। राजा ने देखा ये प्रजा कहाँ चली गई। मंत्री ने कहा सरकार आपकी पत्नी का हार उस कीचड़ में है और सब लोग ढूंढने गए हैं। राजा ने सोचा चलो मैं भी जाऊं,
क्योंकि यदि किसी और को मिल गया तो खाली फोकट उसको आधा राज्य देना पड़ेगा, है? यदि मुझे मिल गया तो एक छत्र राजा बना रहूंगा, नहीं तो आजादी खतरे में पड़ जाएगी। राजा भी खुद अपने राज्य से, अपने घर महल से निकला और जैसे ही उस वहां कीचड़ के पास पहुंचा, अपना कुर्ता बुर्ता निकाला, है? और राजा उस कीचड़ में गिरा और राजा भी ढूंढने लगा। बोले, राजा आप? बोले, हाँ मैं भी। चाहे राजा हो या रंक हो, सब लोग कीचड़ में ही ढूंढ रहे हैं, हैं कि मुझे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। बहुत ढूंढे, बहुत ढूंढे। वैसे ही राजा और रंक उस कीचड़ में उस हार को ढूंढ रहे थे, जैसे आज के लोग, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इस संसार से सुख ढूंढ रहे हैं। संसार से सुख सब लोग ढूंढ रहे हैं। बहुत ढूंढा, बहुत लोगों ने प्रयास किया। एक साधु महात्मा वहां से गुजरे और देखा पूरा राज्य कीचड़ में, कोई बाकी नहीं, और साथ ही साथ देखा तो राजा भी कीचड़ में। महात्मा ने कहा, राजन ये क्या कर रहे हो? बोले, हार गिर गया है। महात्मा ने राजा का हाथ पकड़ा, बाहर निकाला। बोले, क्यों परेशान हो? बोले, पत्नी का हार गिर गया है और वे ढूंढ रहे हैं। तब उस महात्मा ने कहा कि इस कीचड़ में एक नहीं, 1000 जन्म बीत जाएंगे फिर भी आपको इस कीचड़ में हार नहीं मिलेगा, क्योंकि हार कीचड़ में नहीं, बाजू में एक वृक्ष था, उसकी डाली के ऊपर उस बाज ने हार को छोड़ा था और उसका प्रतिबिंब कीचड़ में आ रहा था, और जैसे ये लोग कीचड़ में गिरते थे पानी वो हो जाता था, इसलिए वो खो जाता था। तो बोले, हार कीचड़ में नहीं, हार ऊपर है। तब उसको बुद्धि आई। कहने का तात्पर्य है, राजा और प्रजा और कोई नहीं, हम लोग ही हैं। और जैसे वो पूरे राज्य की प्रजा और राजा सोने के हार को ढूंढ रहे थे, वैसे हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं, छोटे बड़े सब लोग, है? कुछ लोग छोटे लेवल से, कुछ लोग बड़े लेवल से, लेकिन सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग नवरात्र में सुख ढूंढ रहे हैं, लड़के लोग खड़े हैं, लड़की लोग खड़े हैं, नवरात्रि खेलते खेलते सुख ढूंढते हैं, और मौका भी अच्छा है माता जी के नाम पर, है? आप देखिए, इतनी बड़ी नवरात्रि का आयोजन, माता जी बेचारी कोने में बैठी होगी, और मैं तो कहता हूँ यहाँ संकल्प में गोरेगांव जाइए, हमारे बोरीवली कोरा केंद्र में जाइए, बाहर खड़े रहिए माइक लेकर, और एक को एक से पूछिए, माता जी ने आज कौन से रंग का वस्त्र पहना है? किसी को नहीं पता होगा, लेकिन उस लड़की ने कौन से रंग का पहना था सब याद होगा। फलानी लड़की ने ये पहना था, उसने ये पहना था, उसने, ये तो अनुभव बोलता है ना निशान जी। हम भी किसी जमाने में जाते थे, इसलिए अनुभव है। नवरात्रि तो बहाना होता है, और क्या है, आज के जो माता पिता होते वो भी सतर्क हो गए हैं कि अपनी बच्ची लड़की को बाहर नहीं भेजते, लेकिन नवरात्रि में माता जी की भक्ति के लिए वो भी भेज देते हैं, तो लड़कों को कुछ चांस मिल जाता है। धर्म के नाम पर मात्र अधर्म हो रहा है इस जगत में, और वही अधर्म का दोष आज पूरे जगत में आया है। सब लोग दुखी हैं, चिंतित हैं। खैर, मैं तो ये कह रहा था, कुछ लोग नवरात्र में ढूंढ रहे, कुछ लोग बीयर बार में ढूंढ रहे, कुछ लोग अपने अपने ऑफिस में खोज रहे हैं, तो कुछ लोग बरमूडा पहनकर टीवी में खोज रहे हैं कौन सी चैनल से सुख मिलेगा। सब लोग खोज रहे हैं, राजा हो या रंक हो, सब लोग खोज रहे हैं। परंतु भक्तों, हम जहां पर सुख खोज रहे हैं ना, वहां पर सुख है ही नहीं, क्योंकि इस भौतिक जगत में एक नहीं 10 जन्म बीत जाए फिर भी जिस सुख को हम खोज रहे हैं वह सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वह सुख इस भौतिक जगत में नहीं, वह सुख भगवान के धाम में है। वास्तविक वास्तविक सुख भगवान के धाम में, तो भगवान के धाम रूपी उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवत कथा सुनकर हम भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्तों, हम सबका परम सौभाग्य है कि प्रति शनिवार को भक्ति संध्या कार्यक्रम के द्वारा हम भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं,
और इस कथा के श्रवण के माध्यम से आजकल के लोग जो सुख ढूंढ रहे हैं और वो भी तुच्छ है, क्षणिक सुख, वह नहीं, इस कथा सुनने के माध्यम से हमें नित्य सुख भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। यह हम सबका परम सौभाग्य है। इसलिए वास्तव में जो ऐसे आयोजन में भगवत कथा का आश्रय लेता है वो बुद्धिमान है। और आज तो पता चल गया माता जी कितने बुद्धिमान है हमारे प्रोग्राम में। वास्तव में बुद्धिमान है। गीता में भगवान कहते हैं नतेषु रमते बुधा, जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख हैं बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमण नहीं करता है। भगवत कथा, भगवत नाम, भगवत सत्संग, भक्तों के मिलन में जो सुख है अद्वितीय सुख है। तो हम सबका परम सौभाग्य है हरिप्रिया माता जी की कृपा से और ये मेरा परिवार की कृपा से ये सुख हमें नित्य मिल रहा है और मिलता रहेगा, ऐसी आशा रखते हैं। तो वास्तव में ये सुख बहुत बड़ा सुख है और इस सुख को देने वाले इस दुनिया में सबसे बड़े दानी हैं। दानी तो बहुत सारे होते हैं, पैसे दे देते हैं, भोजन दे देते हैं, लेकिन भगवत कथा रूपी जो सुख देता है, भगवत भक्ति रूपी जो सुख देता है वो सबसे बड़ा दानी है। उस दान की तुलना में इस संसार की कोई वस्तु नहीं आ सकती है। तात स्वर्ग अपवर्ग धरी तुला एक अंग, दान की, दान को यदि वजन किया जाए तो एक तुला में संसार का सारा दान रख दो, समस्त वस्तु दान करने का फल रख दो। गरुड़ पुराण में तो वेद व्यास जी ने लिख दिया गो कोटि दानम ग्रहणे खदस्य प्रयाग गंगो कोटि कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। कहते हैं ग्रहण के दिन करोड़ों गाय का दान, उसका फल गंगा यमुना सरस्वती प्रयाग के तट पर करोड़ों कल्प तक वास करने का फल, और प्रतिदिन उठकर सुमेरु पर्वत जितना सोना दान करने का फल, ये सारा फल आप एकत्रित करोगे परंतु भगवत कथा और भगवत नाम के उस सोवे हिस्से के बराबर भी वो फल नहीं हो सकता है। गोकोटि दानम ग्रहणे खदस्य प्रयाग गंगो कोटि कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नाम न सम शतांश। ये सारा दान भगवान गोविंद के नाम के शतांश के बराबर भी नहीं है, सत माने सो, कृष्ण के एक नाम के सोवे हिस्से के फल के बराबर भी ये सब दान मिलकर नहीं हो सकता है। विचार कीजिए, तब कृष्ण के नाम की इतनी महिमा, तो जो कृष्ण का नाम देता है, कृष्ण कथा देता है, उसकी कितनी महिमा है। तो हम सबका परम सौभाग्य है और आज हरिप्रिया माता जी ने विषय दिया है गोवर्धन लीला, गोवर्धन को उठाना है, बिना खाए पिए कैसे उठाएंगे। मुझे ऐसा था कि पहले माता जी कह रही थी मोहिनी माता जी आप पहले प्रसाद ले लीजिए, मैंने मन में सोचा ले लूँगा तो गोवर्धन ठीक से उठेगा, लेकिन अब जैसे ही है बिना भोजन किए जैसे ही उठेगा आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। आइए गोवर्धन की कथा सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत के दसम स्कंद के 24वें अध्याय में कहते हैं भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन गोपा इंद्रयाग कृतोद्यमात्। ये उन दिनों की बात है, कार्तिक महीना चल रहा था और दिवाली का दिन, भगवान श्री कृष्ण लगभग 7 साल के हुए हैं और एक दिन उन्होंने जग कर देखा तो इंद्र याग कृत उद्यमान, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनके पिता नंद बाबा, यशोदा और ब्रज में सब लोग इंद्र के यज्ञ के लिए तैयारी कर रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत् अभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन। यद्यपि भगवान जानते थे कि ये लोग क्यों सारी मेहनत कर रहे हैं, भगवान ये सब कुछ जानते थे, 7 साल के थे लेकिन सब जान चुके थे।
और इसलिए कहते हैं सर्वात्मा, जो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, सर्वदर्शन, जिसकी दृष्टि सभी जगह पर होती है, ऐसे भगवान सब कुछ जानते हुए भी अपने पिता नंद बाबा को पूछते हैं, बाबा आप लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, किसी की शादी है? मेरी शादी तो आपने तय नहीं कर दी ना। भगवान श्री कृष्ण को शादी करने की बहुत जल्दी होती थी। ये सारी गोपियां जब शिकायत लेकर आती थी, अपना गांव ले नंद रानी, हम कहूँ अनंग बसेगी जाए, बहुत सुंदर भजन गाते हैं ब्रज में कि हे नंद रानी यशोदा, आप अपना सब घर गृहस्थी लेकर यहाँ से चली जाओ। क्यों? क्योंकि आपका ये कृष्ण बहुत उत्पात करता है। क्या उत्पात करता है? वैसे तो शिकायत का लिस्ट है भागवत में, फिर कभी सुनेंगे, कल सुनेंगे, लेकिन एक शिकायत ये होती थी कि ये कृष्ण कहता है हम जब पनगढ़ पर पानी भरने जाती हैं, ये रास्ते में खड़ा रहता है और पूछता है मेरे से शादी करेगी? अब पूछो जरा, इसको शादी का मतलब जानता है? शादी का मतलब भी नहीं जानता और मुझे कहती है, कहता है कि शादी करोगी और मेरे बलदेव की तुम भाभी बनोगी? सीधे सीधे नहीं बोलते हैं, तो घुमा फिरा कर बोलते हैं। और कभी कभी तो ये हमारे पास आकर कहता है कि गोपी क्या बताऊं, भगवान ने तुझे मेरे लिए ही बनाया है। और कभी कभी कहता है बस मैं तुम्हारे लिए बनाऊं। तो इस प्रकार से इसको कोई लाज शर्म नहीं है। तो भगवान को ये बहुत, मैं कहाँ से इस पर चला गया, हाँ किसी की शादी तो नहीं है। तो जानते थे सब कुछ, अपने पिता नंद बाबा को पूछने लगे कि पिताजी ये आप इतनी मेहनत तैयारी क्यों कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है, कथ्यता मुझे इसका कारण बताओ। नंद बाबा कहते हैं देखो, हमारा जीवन गायों के ऊपर आधारित है। वास्तव में भक्तों, पहले के लोगों का जीवन गाय के ऊपर आधारित होता था और यही वास्तविक जीवन माना जाता था। श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, यदि हमारे पास एक दो गाय हो और थोड़ी सी जमीन हो तो हमारा जीवन सुख शांति से बीत सकता है। आज हमारे प्रगति के नाम पर कितनी प्रॉब्लम है, आप कितना भी धन व्यर्थ करो परंतु शुद्ध गाय का दूध नहीं मिल सकता है। पैसे देकर 50 रुपया नहीं, 100 रुपया एक लीटर का दे दो, लेकिन शुद्ध गाय का दूध मिलना मुश्किल। और भक्तों, कुछ लोग तो गाय के नाम पर दूध नहीं, विष पी रहे हैं। कुछ दिनों पहले हम गए थे एक जगह पर, बहुत बड़े महात्मा का हमने प्रवचन सुना, जिसके वहाँ लगभग 6 लाख गाय हैं। बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि वास्तव में दूध पीना चाहिए गाय का, ये वेदों में लिखा है, क्योंकि गाय हमारी माँ है और गाय का दूध ही पीने योग्य है। गाय को छोड़कर अन्य किसी का भी दूध पीने योग्य नहीं है, क्योंकि अन्य का दूध पियोगे तो हम अन्य जैसे होंगे। जैसे भैंस का दूध लोग पीते हैं टेस्ट के लिए, कहते हैं गाय का दूध पतला होता है, भैंस का मोटा होता है, लेकिन भैंस के दूध में क्या दोष है ये हम सबको देखना चाहिए। भैंस के जो बच्चे होते हैं वो लोग एक्टिव नहीं होते हैं, परंतु गाय के बछड़े कितने एक्टिव होते हैं। कभी देखिए पथमेड़ा गौशाला जाइए, कहीं भी आप देखिए, गाय के जो बच्चे होंगे वो कूदते ही रहेंगे पूरा दिन और थकेंगे नहीं। गाय का दूध पीने से व्यक्ति एक्टिव रहता है। और दूसरी बात क्या है, इस संसार में कुछ लोग ज्यादा दूध प्राप्त करने के लिए गाय की नस्ल को बदल दिए, विशेष करके ब्रिटिशर्स और ये जो विदेशी लोग, बोले ज्यादा दूध चाहिए, ज्यादा दूध। तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत कुछ खोज किया कि गाय से ज्यादा दूध कैसे निकाला जाए। बोले एक काम करते हैं, गाय का मिलन हम किसी ऐसे पशु के साथ कराते हैं जो ज्यादा बच्चे देते हो, क्योंकि ज्यादा बच्चे देने वाला पशु ज्यादा दूध देगा।
तो बहुत खोजा बहुत खोजा, तो बोले ज़्यादा बच्चे कौन देते है? बोले सुअर शुकर। तो बोले एक काम करते हैं, इंडिया से अनेकों गाय का एक्सपोर्ट किया गया और शुकर के वीर्य को लेकर गाय के द्वारा एक नई नस्ल, एक नई गाय को जन्म दिया जिसे हम जर्सी गाय के नाम से जानते हैं। और जर्सी गाय का दूध जर्सी गाय का नहीं, वह शुकर का दूध है, महात्मा बता रहे थे, और सत्य चीज है। वास्तव में वो विष है, विष। और आज हम जो दूध पीते हैं गाय के नाम पर पीते हैं, गाय का दूध 80% तो जर्सी गाय का दूध है, उससे तो न पीना अच्छा है, क्योंकि शुकर का दूध पीकर व्यक्ति की बुद्धि कहां जाएगी, कहां तक सोचेगा। तो भक्तों कहने का तात्पर्य ये है कि कहां से मैं चला गया तैयारी क्यों हो रही है? तो ठीक है, भगवान कृष्ण पूछ रहे थे तैयारी क्यों हो रही है इतनी। हाँ, हमारा जीवन गाय पर आधारित है, और यदि गाय नहीं रहेगी तो हमारा जीवन ठीक नहीं रहेगा। तो गाय को, गाय से दूध ग्रहण करने के लिए उसे घास चाहिए, और घास तब तक नहीं उगेगा जब तक बारिश नहीं होगी, और वर्षा तब तक नहीं होगी जब तक हम इंद्र देवता को प्रसन्न नहीं कर लेंगे। तो बेटा, हम लोग प्रति साल में एक दिन इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, इंद्र को भोजन देते हैं ताकि इंद्र प्रसन्न रहे, वर्षा बरसाए, और जिससे घास उगे और हमारी गाय ठीक रहे। तब भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ा तर्क दिया, बोले ये वर्षा के लिए और घास उगाने के लिए तुम्हें इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं। इस संसार में हमारे जीवन में वही हमको मिलता है जो हमारे कर्म में लिखा है। यदि हमारे कर्म में वर्षा लिखी है और ये घास चारा लिखा है, तो अब इंद्र को कहने की जरूरत नहीं, वो तो मजबूर है, भगवान के अंडर में, उसे तो वर्षा करनी होगी। भगवान ने बहुत सुंदर सिद्धांत नंद बाबा को दिया, सिद्धांत इसीलिए दिया, भगवान ने सोचा बड़ा होकर कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देना है, और वहां पर यह भी बोलना है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि अर्जुन ये सभी छोटे मोटे को छोड़कर मेरी एक ही शरण ग्रहण करो। अब जब मेरे पिताजी ही यह नहीं करेंगे तो अब मैं दूसरों को क्या ज्ञान दूंगा। इसलिए ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार जो है घर से ही प्रारंभ करो। तो भगवान कृष्ण ने अपना प्रचार जो है पहले अपने घर पर किया, ये इंद्र और अन्य देवी देवताओं की जो भक्ति करते थे उनको बताए, इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं। कृष्ण ने बहुत तर्क दिया अनेकों श्लोक में, श्लोकों के अनुसार कथा करेंगे तो 7 दिन में भी समाप्त नहीं हो सकती है, मैंने तो केवल स्पर्श किया श्लोक को। तो बहुत तर्क दिए, तब अंत में नंद बाबा कहते हैं कृष्ण ठीक है, चलो हम एक सेकंड के लिए आपकी बात को मान लेते हैं कि तुम कहते हो इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं। तो इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं तो किसकी पूजा करनी चाहिए? तब कृष्ण तुरंत कहते हैं गोवर्धन की, क्योंकि वास्तव में हमारा भरण पोषण करने वाला गोवर्धन है, गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। वास्तव में कृष्ण ने जैसे ही कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, नंद बाबा अकेले नहीं थे, ये सुनते सुनते कई सारे लोग वहां पर आ चुके थे। कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की करो। तब कृष्ण ने जब कहा गोवर्धन की पूजा करो, तो सब लोग ने एक स्वर से कह दिया कि कृष्ण यदि चाहते हैं गोवर्धन की पूजा हो, तो इस साल इंद्र की पूजा न करके हम सब लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। भक्तों, ये है ब्रजवासी का प्रेम। इतने युगों से जो अपनी कुल परंपरा चलती आई थी, उस कुल परंपरा को तोड़कर हम कृष्ण की बात मानेंगे। कृष्ण, तुम यदि इसी में प्रसन्न हो, तुम चाहते हो कि गिरिराज जी की पूजा हो, तो गिरिराज जी की होगी। कृष्ण ने कहा देखो एक बार गिरिराज जी की पूजा करके देखो, आप कितने सालों से इंद्र की पूजा करते हो? तो गिनाने लगे, बहुत सालों से। आप इंद्र के लिए इतना इतना 56 भोग 108 भोग व्यंजन इतना कुछ बनाते हो, कभी इंद्र आपके सामने आया, कभी आपको दर्शन दिया? बोले कभी नहीं। आप एक बार गिरिराज जी को भोग लगाकर देखो, आपके सामने प्रकट होंगे, प्रकट भी ही नहीं होंगे, वो आपके सामने हंसेंगे, और हंसेंगे नहीं, बात भी करेंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे, और इतना ही नहीं आपका सारा भोग खाएंगे।
इंद्र ने कभी खाया? बोले कभी नहीं खाया। बोले गिरिराज जी आपका सारा भोग खा जाएंगे। तब मधुमंगल श्रीदाम जो सखा थे बोलने लगे बाबा बाबा इसकी बात में मत आना, इसका भगवान कोई निश्चित भिखारी होगा है? जो बार बार खाने के लिए मांगे, बहुत पेटू होगा। बोले बच्चों की बात में मत आओ, वास्तव में गिरिराज जी की पूजा करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी से बहुत प्रेम करते हैं। ये गिरिराज जी क्या हैं, कौन है, इस विषय में जानना ये अत्यंत आवश्यक है। गोवर्धन लीला तो हम फिर कभी भी सुनेंगे और सुनते ही रहते हैं, लेकिन वास्तव में गोवर्धन है क्या और कृष्ण गोवर्धन से इतना प्रेम क्यों करते हैं? भक्तों वास्तव में देखा जाए तो गिरिराज गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण का हार्ट है, कृष्ण का हृदय है गोवर्धन। ये बात गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी के द्वारा उल्लिखित हुई है। गर्ग संहिता में वेद व्यास जी लिखते हैं कि एक समय की बात, श्रीमती राधा रानी अपने नित्य जगत में, अभी ये लोग नीचे नहीं आए हैं, ये नित्य लीला की बात है, बहुत पूर्व श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास आई और कृष्ण को कहने लगी, हे जगदीश्वर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न हो, ये रास लीला करते हुए, या आप मेरी सेवा से यदि प्रसन्न हो तो मैं कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा मांगो। श्रीमती राधा रानी ने देखा कि यहाँ पर सब फ्लैट भूमि है, एकदम सीधी समतल भूमि है। तब जब कृष्ण ने कहा कि आपके मन में जो भी इच्छा हो वो मांग लो, तब श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज में पार्श्व भाग में रास लीला के योग्य आप एक स्थान प्रकट कर दीजिए, क्योंकि रास लीला करने के लिए थोड़ी गुह्य लीला है, तो आप एक ऐसा गुह्य स्थान बनाइए जिसके तलेटी में रहकर हम रास कर सके निकुंज में। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की इस प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उसी समय भगवान श्री कृष्ण के हृदय से एक एक छोटा सा स्फुलिंग उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण के हृदय से एक छोटा सा टुकड़ा गिरा सभी गोपियों के सामने, सबके देखते देखते उसमें विपुल प्रकाश पुंज उत्पन्न हो गया और वो जो टुकड़ा था कृष्ण के हृदय से निकला वो धीरे 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 बड़ा होता गया। गर्ग संहिता में ये वर्णन है। और लाखों योजन वो विस्तार होता गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे तू कितना बड़ा होते जा रहा है, कम से कम अब बंद है, कुछ लिमिट तो होनी चाहिए ना। जब भगवान ने इस प्रकार से कहा कि बस अब बड़ा होना बंद हो जाओ, तब वो जो टुकड़ा था हृदय का टुकड़ा बंद हुआ और उस स्थान पर स्थित हो गए यमुना के पार्श्व भाग में। तो भक्तों ये बहुत सुंदर एक पर्वत के रूप में भगवान के हृदय से ये प्रकट हुआ और वो पर्वत और कोई नहीं, यही है गिरिराज गोवर्धन। पृथ्वी पर नहीं आया अभी, ये वृंदावन में पहुंचा नहीं है, अभी हम सुनेंगे कैसे ऊपर से नीचे आया। अभी तो गिरिराज जी का प्राकट्य भगवान के हृदय से भगवान के धाम में हुआ है, यमुना के तट पर, बहुत सुंदर। तो भगवान के धाम में बहुत सुंदर ये गिरिराज जी बना और राधा कृष्ण फिर उस गिरिराज जी की तलेटी में बहुत सुंदर रासलीला क्रीड़ा इत्यादि प्रतिदिन करते रहते थे। परंतु आप सब जानते हैं जिस समय द्वापर युग आया और भगवान कृष्ण की इच्छा हुई कि मैं इस पृथ्वी पर जाऊं, तब कृष्ण ने राधा को कहा, राधे राधे अब मैं तुम्हें लेकर इस पृथ्वी पर जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे माधुर्य मंडित लीला करनी है। तब श्रीमती राधा रानी ने सीधा कह दिया कि कृष्ण जहां पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धन नास्ति तत् मैं न मन सुखम, वहां पर मेरे मन को सुख नहीं मिलता है। कहां मुझे सुख नहीं मिलता? जहां वृंदावन नहीं, यमुना नहीं और गोवर्धन नहीं। आज यदि कोई पति अपनी पत्नी को कहे चलो अब ये जुहू छोड़कर हमें कहीं बोरीवली रहने के लिए जाना है, तो आज की पत्नी कहेंगी यत्र डिश टीवी नास्ति न यत्र डीवीडी प्लेयर यत्र जोगर्स पार्क नास्ति
तत्र मैं न मन सुख या यत्र चाय कॉफी नाश्ती, जो भी है। परंतु देखिए श्रीमती राधा रानी का भाव, वह कहती है जहाँ गिरिराज नहीं यमुना नहीं वहाँ मेरा मन को सुख नहीं, और आपके पृथ्वी पर है क्या कि मैं इस नित्य जगत को छोड़कर पृथ्वी पर आऊँ, मैं कोई पृथ्वी पर नहीं आने वाली हूँ। हाँ यदि यमुना और गोवर्धन सब पृथ्वी पर आए तो मैं पृथ्वी पर आऊँगी। तो भक्तों श्रीमती राधा रानी को इस पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को इस पृथ्वी पर भेजा। परंतु भगवान की इस पृथ्वी पर भेजने की लीला भी अद्भुत थी। वह ऐसे भगवान ऐसे तो कुछ करते नहीं, कुछ लीला के माध्यम से करते। तो उस समय ही भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को द्रोणाचल का पुत्र बनाया। आप सब जानते हैं हिमाचल जैसे हिमगिरी पर्वत है वैसे द्रोणगिरी पर्वत है, द्रोणाचल पर्वत बहुत बड़ा पर्वत। तो द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में इस गिरिराज जी का जन्म हुआ। तो भगवान के धाम से वो जो गिरिराज जी थे, बाकी सब लीला तो आप जानते हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कृष्ण कैसे आए राधा कैसे आई, मैं तो मेरा फोकस मात्र गिरिराज जी के ऊपर है। तो गिरिराज जी जो है भगवान के धाम से हिमालय की तलेटी में द्रोणगिरी पर्वत के वहां पर इनका जन्म हुआ, और वहां पर यह पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता गया। आप सब जानते हैं एक समय की बात, कहते हैं पुलत्स्य नाम के ऋषि, पुलत्स्य ऋषि को जानते हैं आप, रावण के दादाजी, पुलत्स्य ऋषि रावण के दादाजी, पुलत्स्य के पुत्र और उनके पुत्र हुए रावण, रावण पुलत्स्य ऋषि के वंशज हैं। खैर तो पुलत्स्य नाम के ऋषि ही संसार में विचरण करते 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 द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे, और जहां द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो पहले के पर्वत जो थे वो मूर्तिमान होकर बात भी करते थे, सेवा भी करते थे और उड़ते भी थे। आप सब जानते हैं द्वापर युग तक पर्वत को पंख होती थी, हमारी तो बुद्धि से परे ये बात है, मन से भी परे बात है। पहले ये जो पर्वत थे पंख होती थी और ये उड़ते रहते थे, कभी भी जाकर कहीं भी बैठ जाते थे। लेकिन ये पर्वत कहीं भी जाकर बैठ जाते थे तो एक बार इंद्र ने सोचा ये ठीक नहीं है, इंद्र ने अपनी तलवार से पर्वत की पंख को काट डाला। उस दिन से ये पर्वत अचल हो गया, पर्वत का नाम ही हो गया अचल, हिम अचल हिमाचल, संधि विच्छेद इस प्रकार से होता है, द्रोण अचल द्रोणाचल, उस दिन से ये पर्वत अचल हो गया। तो इस प्रकार गिरिराज जी का जन्म द्रोणाचल के पुत्र के रूप में, पुलत्स्य ऋषि आए और इन्होंने बहुत सुंदर स्वागत किया, और उसमें भी ये जो छोटा पुत्र था गिरिराज, उन्होंने बहुत सुंदर सेवा की पुलत्स्य ऋषि की, कुछ दिन तक वहाँ पर रहे। और जब सेवा कुछ दिन के बाद पुलत्स्य ऋषि अपने घर पर लौट रहे थे, तब द्रोणगिरी ने दोनों हाथ जोड़कर पुलत्स्य ऋषि के चरणों में बैठकर कहा कि आपका धन्यवाद, आप हमारे घर पर रहे और आप अब वापस लौट रहे हो, बस आपके चरणों में निवेदन है कि हमारे लिए कोई सेवा बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं। तब पुलत्स्य ऋषि ने कहा ठीक है, आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो आपका ये लड़का जो है बहुत प्यारा है। देखिए गिरिराज जी वहाँ द्रोणगिरी के पास है, वो गिरिराज जी भगवान के धाम से द्रोणगिरी के पास आए, अब द्रोणगिरी से वृंदावन में ब्रज में कैसे पहुंचे ये कथा चल रही है। तो पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि आपके बच्चे को दान में डोनेशन में दे दो। अब द्रोणगिरी कैसे अपने एक पुत्र है और कैसे उनको दे दे, द्रोणगिरी तो धर्म संकट में फंस गए, यदि मैं ना कहता हूँ तो पुलत्स्य ऋषि शाप दे देंगे और यदि दे देता हूँ तो मेरा फूल जैसा बालक बेचारा चला जाएगा, क्या करूँ। तब तुरंत द्रोणगिरी ने कहा एक काम करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप मेरे बालक को ही पूछ लो, यदि वो हाँ कह दे तो आप उसे लेकर जाओ। तब इस गिरिराज को बुलाया और पुलत्स्य ऋषि ने कहा बेटा तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ। अब ऋषि मुनि की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाहते थे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? आप मैं चलूँगा नहीं और मैं उड़ूंगा भी नहीं,
आपको मुझे अपने हाथ में लेकर चलना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, और मेरी एक शर्त यह है कि आपने यदि मुझे अपने हाथ से कहीं छोड़ दिया, जहां छोड़ दिया फिर मैं वहीं पर रह जाऊंगा, फिर मैं आपके साथ आगे नहीं चलूंगा, इसलिए आपको मुझे रास्ते में कहीं नहीं छोड़ना है। बोले कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से पुलत्स ऋषि गिरिराज को अपने हाथ में लेकर आकाश के मार्ग से उड़े, और आकाश के मार्ग से जा रहे हैं नीचे ब्रज जब आया है? तो ब्रज को याद करके गोवर्धन जी ब्रज को याद कर रहे हैं। अब वो तो ब्रज में थे ही नित्य लीला में, अब देखे यमुना नदी है, अरे बाप रे, जो ऊपर था वो सब आ चुका है, यहाँ पर यमुना भी आ गई, कृष्ण राधा ये सब लोग आ गए। तब ये भाव में आ गए और गिरिराज जी का वजन और बढ़ गया, बिल्कुल भारी हो गए, वजन बढ़ गया। और उसी समय देव योग से पुलत्स ऋषि को लघु शंका लगी। अब आप तो जानते हैं लघु शंका का वेग है, सबके जीवन में कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस होता ही है, बहुत वेग होता है जब किसी को टॉयलेट इत्यादि लगती हैं, और उस समय कोई ट्रेन में होता है, ट्रेन में मतलब लोकल ट्रेन में, या कोई बस में होता है और चांस नहीं मिलता है, तब व्यक्ति को हार माला पहनाओ, उनकी स्तुति करो, उनको भोजन दो, कोई उनको उनका एक ही कॉन्सेंट्रेशन होगा कब अगला स्टॉप आए और मैं उतरूं। ये कब होता है बताए? जब लोग वृंदावन यात्रा में जाते हैं और सुबह सुबह निकलना होता है, और किसी किसी लोगों को सुबह सुबह पानी पीने की आदत होती है, और बस निकल जाती है और बस चलती है, और जब बहुत टॉयलेट लगती हैं और बस रुकने का नाम नहीं लेते, लीडर कहते हैं आधे घंटे के बाद रुकेगी, और जब उस व्यक्ति को मतलब कंट्रोल करना होता है, और उस समय जो दिमाग आउट हो जाता है, कहीं पर मन नहीं लगता है, अब कोई भूत भविष्य वर्तमान कुछ याद नहीं रहता है कि किससे क्या वादा किया था और क्या कहा था, कभी अनुभव करके देख लीजिएगा, तो अनुभव बोल रहा है। तो पुलत्स ऋषि को याद नहीं आया, तो लघु शंका लगी और तुरंत आकाश के मार्ग से नीचे उतरे, गोवर्धन को रख दिए और तो वो तुरंत चले गए। लघु शंका करके स्नान करके जब वापस आए और गोवर्धन को जब उठाने गए, तब गिरिराज जी ने कहा, देखो शर्त क्या हुई थी, हमारी शर्त थी कि जहाँ पर तुम रख दोगे वहाँ से मैं हिलूंगा नहीं। गिरिराज जी चाहते थे कि मैं मेरे स्थान पर पहुँच जाऊँ जहाँ कृष्ण लीला करने वाले। गिरिराज जी ने कहा, देखो अब आपको जाना है तो चले जाओ, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। मन में तो ये था मेरे कृष्ण आएंगे और लीला करेंगे। पुलत्स ऋषि ने कहा, अब लघु शंका लगी और मुझे जाना पड़ा, ये तो मजबूरी थी। बोले जो भी हो, बोले मैं नहीं हिलूंगा। बोले आना पड़ेगा, नहीं आऊँगा, आना पड़ेगा, नहीं आऊँगा। जब गिरिराज जी ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तब पुलत्स ऋषि ने श्राप दे दिया, तुम मेरे साथ आना नहीं चाहते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम प्रतिदिन सरसों के दाने के जितने घटते जाओगे, पृथ्वी में धंसते जाओगे। तो भक्तों, उस पुलत्स ऋषि के श्राप से गिरिराज जी प्रतिदिन सरसों के दाने की जितने वो कम होते जा रहे हैं, मतलब धंसते जा रहे हैं, और जब तक कलयुग का अंत होगा तब तक गिरिराज जी पूरे अंदर चले जाएंगे। तो आज तक गिरिराज जी अंदर चले गए, पूरे चले जाएंगे। तो इस प्रकार गिरिराज जी वहाँ पर ब्रज 84 कोष में आ गए। अब आइए वहाँ भागवत के उस प्रसंग में, गिरिराज जी तो आ गए, अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नंद बाबा आप एक काम करो, क्योंकि गिरिराज जी ही हमारी गायों का वर्धन करने वाले हैं, गिरिराज जी की कृपा से ही हमारे गाय का वर्धन हो रहा है, इसलिए उनका एक नाम है गोवर्धन, गोवर्धन जिससे गाय का वर्धन हो, और गो माने इंद्रियों का वर्धन, इससे ही हमारे भरण पोषण होता है, गिरिराज जी की पूजा करो। तो कृष्ण के कहने पर सभी भक्त सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में गए, और गिरिराज जी के पास जाकर अपना सारा अपने अपने घर से 56 भोग अन्नकूट लेकर आए थे, सब अन्नकूट गिरिराज जी को चढ़ाने लगे। सारा भोग जब गिरिराज जी के ऊपर लग गया वहाँ पर, तो जैसे गिरिराज जी पहाड़ के रूप में थे वैसे अन्न का पहाड़ बन गया, भात का इत्यादि का पहाड़ बन गया। लेकिन प्रश्न उठा कि भोग कौन लगाए, भोग भी विधि से लगाना होता है ना,
तो कहा जिसने रिकमेंड किया है उसी को कहा जाए भोग लगाने के लिए, कृष्ण को ही कहा जाए। तो बोले ठीक है, कृष्ण बैठ गए गिरिराज जी के सामने, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण। अब खुद भगवान है और वो भी भगवान है, भगवान के हृदय के रूप से। वैसे गिरिराज जी में अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, गिरिराज जी भगवान भी हैं और भक्त भी, क्योंकि भगवान के हृदय से उत्पन्न हुए हैं, भगवान के हृदय से उत्पन्न हुए इसलिए भगवान हैं। लेकिन भागवत में क्या कहते हैं, साधव हृदय मह्यम, साधु जो है मेरे हृदय हैं। तो उस दृष्टि से गिरिराज जी भक्त भी हैं, इसलिए गिरिराज जी भगवान का स्वरूप भी हैं। और हरिदास वर्य भागवत में गिरिराज जी के लिए हरिदास वर्य, हरि के दासों में भगवान के भक्तों में जो श्रेष्ठ है, ये नाम भी आया है। अब जो भी है दोनों समझिए, तो दोनों भगवान आमने सामने बैठे हैं, एक भगवान दूसरे अपने ही स्वरूप को कह रहे हैं कि नमो ब्राह्मण देवाय भोग ग्रहण कर लीजिए। दूसरे शब्दों में भगवान सिखा रहे हैं। और जैसे ही भगवान की प्रार्थना समाप्त हुई, तुरंत गिरिराज जी प्रकट हुए और सारा भोग दोनों हाथों से खाने लगे। और दोनों कुछ ही समय में गिरिराज ने सारा भोग खा लिया और खाते हुए हंसते लगे। और ये सब्जी किसके घर से आई है, बोले इसके घर से आई है, अखंड सौभाग्यवती भव, मंगलम अस्तु, सुखी भव, ये भव वो चिरंजीवी भव, आशीर्वाद देने लगे। और तुम्हारी क्या कामना है, भगवान कृष्ण पंडा बन गए उस समय, मीडिएटर बन गए, बोले तुम्हारी क्या कामना है, बच्चे चाहिए गिरिराज जी, इनको बच्चे दे दो। इसलिए आज भी यदि किसी के हृदय में कुछ कामना है, मनोकामना है, तो अन्य किसी के पास न जाकर गिरिराज जी के शरणों में जाना चाहिए। हालांकि भक्तों के लिए सबसे बड़ी मनोकामना कृष्ण प्रेम है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ चाहिए, कोई भी मनोकामना हो, तो यदि गिरिराज जी की हम परिक्रमा करें तो सारी मनोकामना पूर्ण होती है। गिरिराज जी ने सबकी मनोकामना पूर्ण की, कुछ ही समय में सारा भोग समाप्त हो गया। गिरिराज जी करने लगे, ये तो खाली हो गया, और लाओ अन्न, और अन्न, और अन्योर, इसलिए वहाँ के गांव का नाम ही हो गया अन्योर। आप जब गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे तब अन्योर नाम का गाँव आएगा। तो इस प्रकार से बहुत भोग इत्यादि चढ़ाया गया, गिरिराज जी की पूजा हुई, और पूजा हुई और सबको भोग चढ़ाया गया, गिरिराज जी को सब हो गया। तब ब्रजवासी ने पूछा अब क्या करें, बोले अब परिक्रमा करें। तब सब ब्रजवासी मिलकर गिरिराज जी की परिक्रमा किए। भक्तों विचार कीजिए कि कार्तिक का महीना है और ऊपर से भगवान का धाम है, और ऊपर से जिस दिन ब्रजवासी ने गिरिराज जी की पूजा की थी और परिक्रमा की थी, उस दिन यदि हम सब भक्त लोग साथ में मिलकर गिरिराज जी की परिक्रमा करें और गिरिराज जी की तलेटी में बैठकर इस कथा का श्रवण करते हुए, प्रसाद खाते हुए, कीर्तन करते हुए, नाचते हुए जब ये परिक्रमा संपन्न हो, तब बताइए मनुष्य जीवन का इससे बड़ा लाभ और कौन हो सकता है। यही लाभ यदि आप चाहो तो आप सबको मिल सकता है। कार्तिक की यात्रा में हमारे साथ चलेंगे। खैर मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वास्तविक बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से गिरिराज जी की फिर परिक्रमा हुई और सबने बहुत उत्साह से परिक्रमा संपन्न की और सब लोग अपने अपने घर पर चले गए। परंतु देवताओं का स्वभाव है, आपको देखने मिलता है कि जिस इंद्र की भगवान ने बार बार रक्षा की, चाहे समुद्र मंथन हो चाहे कोई भी कार्य न हो, परंतु वही इंद्र अपने स्वर्ग में बैठे हुए देखा कि प्रति साल दिवाली के दिन तो ये सब पूजा हो जाती थी, इस साल क्या हुआ। इंद्र ने पता लगाया तो पता चला कि 7 साल के बालक के कहने पर जो मेरी पूजा करते आए थे वो छोड़कर एक पत्थर की पूजा करने लगे। इंद्र भगवान के प्रभाव को समझ नहीं पाए और क्रोधित हो गए। देवताओं का स्वभाव देखिए कि इतने वर्षों से पूजा करते आए हैं, एक वर्ष गलती हो गई तो इंद्र ये नहीं सोच रहे कि चलो भाई एक साल गलती हो गई, एक बार हो गई तो छोड़ो क्षमा करो, नहीं। देवताओं का ये स्वभाव है, आप कितनी भी पूजा करो लेकिन थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वही देवता आपको नड़ जाएंगे। जैसे इंद्र ने तुरंत सामवर्तक मेघ को बुलाया, आदेश दे दिया जाओ। अब इंद्र और कर भी क्या कर सकता है, जिसका जो डिपार्टमेंट है वही कर सकते हैं। तो सामवर्तक मेघ को आदेश दिया जाओ, इतनी वर्षा बहाओ, बारिश करो ताकि सारा ब्रज उसमें डूब जाए। तो इंद्र का आदेश लेकर सामवर्तक मेघ बरसने लगे और प्रलय कालीन जो मेघ होता है, प्रलय के समय इतनी बारिश होती है कि सारा संसार उस
पानी में बह जाता है। प्रलय कालीन मेघ होने लगे, कहते मूसलाधार वर्षा होने लगी है। जैसे मूसल होता है ना, अब यहाँ संसार में बारिश गिरती है तो बूंद बूंद के रूप में गिरती है, छोटी छोटी बूंद। मूसलाधार बारिश का अर्थ है जैसे मूसल होता है, इतनी मोटी मोटी, जैसे ये जो है ना खम्भे दिख रहे हैं ना, इतनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। उस बूंद के नीचे यदि हम लोग आ जाए तो सीधे मर जाए, भगवान को प्यारे हो जाए। तो मूसलाधार, और केवल बारिश ही नहीं, आंधी ओले पत्थर इत्यादि गिर रहे थे, अग्नि भी गिर रही थी। तो इस प्रकार से सारा ब्रज जो है पानी में बहने लगा। और भक्तों आश्चर्य की बात यह है कि ये बारिश जो थी ब्रज 84 कोस में हो रही थी, उसके बाउंड्री के बाहर एक बूंद भी नहीं गिरा। इंद्र की जो पूजा नहीं करता था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो इंद्र की पूजा कर रहा था और इंद्र की पूजा करने के बाद गलती हो गई तो उसको प्रॉब्लम। तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ते हैं भाई। गीता में कृष्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से मूसलाधार बारिश होने लगी, सारे ब्रजवासी बोले कृष्ण की बातों में आकर हम लोग इंद्र की पूजा नहीं किए और हम सबको ये इसका फल भुगतना पड़ा। सब लोग कृष्ण के पास आए, कृष्ण तुम्हारे कहने पर हमने ये किया था और हमको आज का ये दिन देखना पड़ा। कृष्ण ने कहा किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, ये मेरे बेटे की करतूत है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, चलो आप सब मेरे साथ। कृष्ण सबको अपने साथ लेकर गए, गिरिराज गोवर्धन की तलेटी के पास पहुँच गए और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाया हाथ उस गिरिराज जी के नीचे डाला। सबके देखते देखते सब लोग दंग रह गए। कृष्ण ने अपना हाथ नीचे डाला और एक हाथ नीचे डालकर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे बरसाती ऋतु में छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते बरसाती छाते को उठा लेते हैं, मशरूम को उठा लेते हैं, उखाड़ देते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने खेलते खेलते गिरिराज गोवर्धन को पृथ्वी से उखाड़ दिया, उखाड़ कर आकाश में उड़ाया। आकाश से उड़कर जब गिरिराज नीचे आए, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक कानी उंगली के ऊपर गोवर्धन को धारण कर लिया। एक डेढ़ या दो फुट का छाता तो सबने आज तक देखा था, लेकिन इतना किलोमीटर लंबा चौड़ा छाता तो ब्रजवासियों ने जीवन में प्रथम बार देखा। और भगवान कृष्ण ने कहा किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, ये छाते के नीचे सब लोग आ जाओ। तो सब लोग उस गिरिराज गोवर्धन रूपी छाते के नीचे आ गए और सब की रक्षा हो गई। प्रश्न हो सकता है कि मानो हमारे पास कितना भी अच्छा छाता हो, बारिश गिर रही है तो हम लोग बारिश के प्रहार से बच रहे, लेकिन बाजू में तो पानी भर जाएगा, उसका क्या होगा? तब इसके दो प्रमाण हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कुंभज ऋषि को बुलाया, क्योंकि वो कथा जानते हैं ना, पार्वती वाली कथा जानते हैं। एक बार शिव जी ने देवी पार्वती को कथा सुनाई, भक्त की महिमा, भक्तों को भोजन कराना चाहिए, भगवान भक्त के मुख से खाते हैं, भक्तों को घर पर बुलाएं। शिव जी ने बहुत बताया, पार्वती की इच्छा हुई कि चलो भक्तों की सेवा करेंगे। तुरंत कुंभज ऋषि को फोन लगाया, महाराज कल आप मेरे घर पर भोजन के लिए आ जाओ। और फोन लगाने के बाद पति के पास जाते, पतिदेव कल गेस्ट को इन्विटेशन दिया है, किसको बुलाया? बोले कुंभज ऋषि को। बोले मेरी माँ कम से कम मुझे पूछ तो लिया होता, किसको बुलाने जा रहे हो? और कोई साधु महात्मा नहीं मिला, कुंभज ऋषि ही मिला। तुम जानती नहीं हो जब ये पानी पीता है भोजन के बाद तो समंदर को पी जाता है, भोजन किंता करता होगा। और जीवन में प्रथम बार हमारे घर पर अतिथि को बुला रहे हैं, और यदि वो भूखा पेट चला गया तो कल टाइम्स ऑफ इंडिया में आएगा, शिव जी के घर पर गए थे और भूखे पेट वापस गए। तो देखो अभी भी कहते हो इन्विटेशन, कह दो कुछ बहाना बना दो, हम बाहर जा रहे हैं, कोई काम आ गया, किसी की शादी में जाना पड़ा। बोले नहीं, यदि वो कुंभज है तो मैं भी अन्नपूर्णा हूँ। शिव जी ने कहा तुम अन्नपूर्णा हो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। बोले नहीं, मैं उसको भोजन कराऊंगी। शिव जी ने कहा देखो ये तुम्हारा और उनका मैटर, मैं इसके बीच में नहीं पड़ूंगा, उस दिन मैं भजन करने चले जाऊंगा, तुम मेरे पास मत आना, नहीं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा भी नाम आएगा यदि तुम नहीं कर पाई तो। बोले ठीक है तुम चले जाना, मैं सब संभाल लूंगी। भागवत में भी इस कथा का वर्णन है। उस समय देवी पार्वती ने सैकड़ों दासियों को प्रकट किया और बहुत व्यंजन भोग बनाए। कुंभज ऋषि समय से आ गए, चौकी पर बिठाया और भोजन परोसा, और सभी देवियाँ 1000 देवी भोजन परोसने वाली, एक व्यक्ति को
हजार देवी, और बाल्टी लेकर आती थी और बोलते कितना डालो, कितना क्या पूरी बाल्टी डालो। अब वो चम्मच वम्मच की जरूरत नहीं थी, पूरी लाकर सीधी बाल्टी डालनी होती थी। लेकिन फिर भी इसके भूख का वेग इतना प्रचंड था कि जैसे ही बाल्टी डालती थी ये तुरंत खा जाते थे। अब भूख इतनी लगी थी उन देवियों को किचन में जाकर लाने में टाइम तो लगता है ना वेटर को या किसी को भी, लेकिन भूख का वेग इतना था कि वो अपने वेग से वो दासियों को खींचने लगे। दासी जो थी वो खंभा पकड़ने लगी, लेकिन वो उसका वेग ही इतना था। अब दासी लोग साइड में हो गए और भोजन सारा किचन में समाप्त होने जा रहा है, लेकिन इसकी भूख समाप्त नहीं हो रही है। देवी पार्वती को पतिदेव की याद आई, मेरे पति सही कर रहे थे, अब क्या करें, अब ये भूखे रह जाएंगे, अब ये तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब घर पर कोई अतिथि आए हैं, साधु संत आए, तो खाने के वेग से पता चल जाता है कि इसका मीटर कहाँ तक पहुँचा है ना। जब शुरू शुरू होता है तो उत्साह होता है, तुरंत थोड़ा फास्ट फास्ट खाने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे अब जब स्पीड कम हो जाती है तो हम भी समझ जाते हैं बेचारे को अब प्लेट में ज़्यादा आ गया है और बेचारा खा नहीं सकता है, अब क्या कर। तो कह देना चाहिए प्रभु जी छोड़ दीजिए, अब ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, मत लीजिए। तो स्पीड से आइडिया आ जाता है बुद्धिमान व्यक्ति को, लेकिन इसकी स्पीड तो कम हो ही नहीं रही थी। पार्वती ने देखा कि इसका पेट नहीं भर रहा है, अब क्या करें, अब मरता क्या नहीं करता। तुरंत देवी पार्वती ने कृष्ण को याद किया, बोले कृष्ण अब आप ही मेरी लाज बचाइए। अब कृष्ण को जो हृदय से अंतरात्मा से याद करता है भगवान तो प्रकट हो ही जाते हैं। तुरंत भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी का रूप लेकर प्रकट हुए, बेल बजाए, पार्वती ने दरवाजा खोला, बोले भिक्षान देही माते भूख लगी है। बोले एक साधु से परेशान हूँ, दूसरा साधु है। बोले ठीक है, एक खून करो या दो करो, सजा तो एक ही होती है, फांसी। चलो अब नाम बिगड़ना ही है तो तुम भी आ जाओ। कहा माते मेरा तो छोटा सा पेट है, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मुझे बस भोजन चाहिए। तो 5 साल का बालक बनकर आया और जिद कर बैठा, मुझे इस साधु की चौकी पर ही बैठना है। साधु ने कहा मुझे डिस्टर्ब मत कर, तू साइड में जाकर खा ले। बोले नहीं, मुझे आपके साथ ही भोजन करना है। अब बालक की जिद साधु भी क्या बोल सकता है। तो साधु जिस चौकी पर बैठे थे ये भी उसी चौकी पर प्लेट रख कर बिठा दिया, और देवी पार्वती आई, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा 2-3 रोटी खा लिए, और कहा जरा पानी लेकर आओ। साधु ने कहा खा लिया। बोले मैं तुम्हारी जैसा भूखड़ थोड़ी नहीं हूँ, कहीं कब से बैठा हूँ, खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो। भगवान कृष्ण ने बिल्कुल उनकी बोलती बंद कर दी, पानी तो पिया, साथ ही साथ उसी चौकी पर हाथ भी धो डाला, चौकी झूठी हो गई। अब ये कुंभज ऋषि बेचारे क्या खाए। तब कुंभज ऋषि ने सोचा कि चलो इसने हाथ धो डाला, मैं भी हाथ धो देता हूँ। दोनों ने हाथ धो डाला, लेकिन अब हाथ धो दिया अब तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, पानी भी नहीं पी सकते। कुंभज ऋषि ने कहा कम से कम पानी तो पीने दिया होता। भगवान ने कहा देखो भोजन अभी किए हो, पानी के लिए मैं आपको इन्विटेशन दूंगा। भोजन के लिए पार्वती जी ने आपको इन्विटेशन दिया ना, आप थोड़ा राह देखो, पानी पीने के लिए मैं आपको बुलाऊंगा। जिस समय कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया और पानी बहते जा रहा था, उसी समय कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि कुंभज ऋषि को बुलाया, महाराज पानी पीने का समय आ गया है। कुंभज ऋषि आए और सारा पानी वहां पर पी गए। ये आचार्यों का मत है। और दूसरा कथन ये भी है, कथनी के अनुसार भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को खड़ा कर दिया था, सुदर्शन के तेज से वह सारा पानी वहाँ पर सूख गया। तो इस प्रकार से कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। इस लीला के प्रति अनेकों ब्रज के भजन है, रसिया है, तो फिर कभी गाने का अवसर मिला तो गाएंगे। अभी ये अवसर ठीक रही है, फिर कभी गाएंगे। बहुत सुंदर, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नाई माने मेरो मनवा। मेरा मन मानता नहीं है, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी। हमें तो ये दृश्य याद आता है जिस दिन हम वृंदावन में गए थे, और हमारे गुरु महाराज जब ये भजन गाना शुरू किए और जैसे ही भजन गाए तो उनकी आंखों से अजस्त अविरत अश्रु धारा निकलने लगी। याद आता है कि जब बड़े बड़े महात्मा इन बातों को सुनते हैं कि हम जाएंगे गिरिराज जी को, चाहे पूरी दुनिया रोके, भजन में ये पद है कि मैं तो गोवर्धन के को जाऊँगी चाहे रोके सारी दुनिया, चाहे सारी दुनिया मुझे भले क्यों न रोके, परंतु मैं तो गोवर्धन जाकर रहूँगी। तो बहुत सुंदर पद और भजन आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, गाना चाहिए इसे,
गिरिराज जी के प्रति प्रेम बढ़ता है। अनेको भजन है, तू एक बार आ जा गिरिराज की तलेटी, एक बार यदि तू गिरिराज की तलेटी पे आ गया तो तेरा जीवन सवर जाएगा। तो अनेको भजन में रस खान जी ने भी कहा है कि पत्थर बनाना है तो गिरिराज की तलेटी में पत्थर बनाना। तो इस प्रकार से गिरिराज जी की बहुत महिमा है और इस लीला की भी बहुत महिमा है। इस लीला की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अन्य लीला में भगवान ने अपने भक्तों के साथ एक एक भाव का आस्वादन किया, यशोदा के साथ वात्सल्य भाव का, सखाओं के साथ साख्य भाव का, लेकिन ये गिरिराज जी की लीला ही एक ऐसी लीला है, गोवर्धन लीला, जिसमें भगवान ने सभी रस का आस्वादन किया, सभी रस का। क्योंकि सब लोग वहाँ पर नीचे आए थे, भगवान ने सोचा अब रोज एक बछड़े को चराने के माध्यम से गोपियों के इस गोपी के घर पे, ये गोपी के घर पे, लेकिन आज सारी गोपी जिसको देखना चाहता हूँ इस गिरिराज जी के बहाने सब यहाँ पर आ गई हैं। भगवान अपनी तिरछी दृष्टि से सब की ओर देख रहे थे और सब लोग जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, सब लोग की हृदय में जो जो भावना थी उस भावना से कृष्ण का दर्शन कर रहे थे और कृष्ण अपने भाव का आस्वादन सबके साथ कर रहे थे। इसीलिए ब्रह्मा ने भी कृष्ण का अपमान किया, परंतु बार बार विनंती करने पर भी कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इंद्र का ये बहुत बड़ा अपराध था भगवान के प्रति, लेकिन कृष्ण ने तुरंत क्षमा कर दिया। क्यों? भगवान ने सोचा आप कितनी गोपियों के घर पर जाता और उसको देखता और मेरे रूप का दर्शन कराता, अच्छा है इंद्र की कृपा से ये वर्षा के कारण ब्रज 84 कोस के भक्त आज मेरी शरण में आ गए और उनके साथ मेरा मिलन हो गया है। तो बहुत मधुर लीला है गिरिराज गोवर्धन की लीला, और ब्रज के लीला में तो ये आता भी है, भगवान ने जब गिरिराज उठाया तो जो वात्सल्य रस के उपासक थे वो थोड़े चिंतित हो गए, मेरे लाला ने कृष्ण ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए नहीं उठाया था, 7 दिन 7 रात तक 500 ग्राम के छाते को उठाकर भी खड़े रह पाएंगे। इन्होंने गोवर्धन धारण किया था, तो कुछ वात्सल्य उपासकों ने कहा कि कृष्ण बेटा तुम थोड़ी देर थोड़ा भोजन कर लो, थोड़ा रेस्ट ले लो। बोले तब ये कौन उठाएगा? बोले हम लोग हैं ना, जो बड़े गोप सखा थे, बोले हम लोग अपनी लठिया टिकाए खड़े हैं, कुछ लोग हाथ टिकाए खड़े हैं, सब लोग खड़े रह गए चारों कोने से। बोले हम सब लोग खड़े हैं, कृष्ण अब तैयार हो जाओ, आप छोड़ दो, हमने हमारे हाथ पर गोवर्धन को धारण कर लिया है। कृष्ण ने जैसे ही उंगली नीचे की, अरे गया 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 गया, अरे कृष्ण पकड़ लो, फिर से कृष्ण ने धारण कर ली। तो कोई गिरिराज को उठा नहीं पाया, कृष्ण ही गिरिराज को उठा कर खड़े थे। तब कुछ जो कृष्ण के नर्म सखा थे, नर्म सखा का अर्थ है मजाकी सखा, जो मजाक करने वाले, बोले कृष्ण अभिमान में मत आना, तो अहंकार न आ जाए तुझे, क्योंकि ये गोवर्धन तूने तो उठाया ही नहीं है। तो किसने उठाया? बोले कछु माखन को बल बदो, ये पूरे ब्रज के घर पर माखन चोरी कर करके खाया, ये तेरा बल नहीं, ये हमारे घर के माखन का बल है। हमारे घर पर जो तूने माखन खाया है ये उस माखन का बल है, तेरा बल नहीं। कछु माखन को बल बदो, ये कुछ जो है माखन की शक्ति से बड़ा है। कछु गोपन करी सहाय, और कुछ ये हम लोगों की सहायता से, और हम लोग और ये माखन भी क्या करता यदि राधा रानी की कृपा न होती। इसलिए वे कहते हैं कछु माखन को बल बदो, कछु गोपन करी सहाय, श्रीमती राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए, राधा रानी की कृपा से उठाए। इसीलिए भगवान का नाम जब बोलते हैं तो राधा गिरधारी है। खाली गिरधारी नाम नहीं है, इनका नाम है राधा गिरधारी, क्योंकि राधा की कृपा से कृष्ण ने इस गिरिराज को उठाया। राधा के बिना तो श्याम आधा है। तो इस प्रकार से भक्तों गिरिराज जी की महिमा है, कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया, ऐसे गिरिराज जी के पास जाना, उनकी परिक्रमा करना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम सभी भक्तों को चाहिए कि जैसे ही जीवन में समय मिले अन्य और कहीं न जाकर, भक्तों ये तो हमारी परवशता है कि हमें इस माया नगरी में रहना पड़ रहा है, ये मजबूरी है, शौक से नहीं रह रहे हैं। और यदि जीवन में ये हो गया है, भगवान की कृपा हो गई है, तो तुरंत स्थान को छोड़कर ब्रज में जाना चाहिए।
तो हम लोग मजबूर होकर यहाँ पर हैं, परंतु जैसे ही जीवन में अवकाश मिले गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे डेली, वृंदावन से चलकर, हम तो वृंदावन से कार में बैठकर जाते हैं, बस में जाते हैं, ये तो पहले तो वृंदावन से गोवर्धन तक चलना और फिर बाद में गोवर्धन की परिक्रमा करना, फिर वहाँ से चलकर वापस आना, और साथ ही साथ रोज 1000 वैष्णव को दंडवत प्रणाम करना। ये है गिरिराज जी की महिमा प्रतिदिन, ये हमारे वैष्णव आचार्य के द्वारा बताया गया है। गिरिराज जी की परिक्रमा करने से हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है। तो इसी महीने में, कार्तिक के महीने में गिरिराज गोवर्धन को धारण किया गया था, इसलिए गिरिराज जी की पूजा होती है, परिक्रमा होती है। तो आज के इस दिन में गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी भक्तों को उनके शरणों में आने का मौका प्रदान करें, हम सब गिरिराज जी की निरंतर परिक्रमा करें और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। गिरिराज गोवर्धन की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। ठीक है, धन्यवाद। आइए माता जी, माइक माइक से।